क्या हुआ? अबे यार रोटी रानी का महल बोलते कौन सा है? कौन सा? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का व्लॉग जो है हमारा काफी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम जा रहे हैं हैप्पी वैली, जो कि हमारे भैरन जवानी है। इसने बताया कि वहाँ पे कुछ ऐसी अनशन चीजें हैं जो हमको भी नहीं पता कि क्या क्या है, लेकिन आज के व्लॉग में काफी मजा आने वाला है। तो लास्ट तक व्लॉग देखना और वीडियो जो देख रहे हो सब्सक्राइब करके जाना। और थोड़ा सा मेरे दोस्तों का इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ये है भैरन जवानी, ये है दीदी जान, ये दीदी जान के भाई, और ये कालू कलकत्ते वाला, ये मोइन मॉडल, और ये बेमतलब की लंबाई। चलो लक्ष्मण, ये हमारी लक्ष्मण। ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है? पृथ्वीराज स्मारक है। ये पृथ्वीराज स्मारक का रास्ता है और हम नीचे, ये वाला थोड़ी ना है, ऊपर वाला पृथ्वीराज स्मारक का रास्ता है और ये नीचे की तरफ है हैप्पी वैली का रास्ता। रूठी रानी का महल भी तो है अंदर, वो रूठी क्यों थी? अरे मुनियो, तो चामुंडा माता का मंदिर एकदम उसके एकदम पीछे पहुंचे। हाँ, डिटेल में बताओ। और हमारे आगे जा रहे हैं दीदी जान। आपका क्या नाम है? दीदी जान। दीदी जान, आपका नाम दीदी जान क्यों? गाइस, ये जो हैप्पी वैली है इसके अंदर काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, जैसे कि रूठी रानी का महल, झरना, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से जो पूरे पेड़ में जकड़े हुए हैं, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया। तो आज हम यहाँ पे व्लॉगिंग करने आए हैं, देखते आगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सीन है। मुझे भी नहीं पता कि आगे हमको क्या क्या दिखेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। वो जो ऊपर है वो पृथ्वीराज चौहान का किला विला है शायद, और उसके पास में ही पृथ्वीराज स्मारक है जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू बना हुआ है। और हम पूरी पहाड़ियों के नीचे जंगलों में जा रहे हैं। और गाइस, एक्चुअली बात ये है कि हम इस जंगलों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको विनोद का पता मिला है। विनोद को डाकू ने जकड़ा हुआ है, हम उसको क्या नाम है, डाकू ने अरे बिल्ली मोर, अच्छा मोर है क्या? गाइस देख सकते हो मेरे सामने जो पानी है वो आगे से झरने से बहता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे केकड़े भी हैं, तो इसमें तो मिल नहीं रहे। एक मेंढक दिख रहा है मेरे को, तो उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, क्या पता आगे हो, आगे तेज झरना बहता है। ये देखो गाइस कितना तेज झरना बह रहा है। ये चट्टान के नीचे हम रुके हैं अभी फोटो शूट करने के लिए, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। सब ऊपर चढ़ रहे हैं, अबे ज्यादा ऊपर नहीं आना है। मैं अगर आप नाबालिग रह जाते हो तो आपके ये हाल होते हैं। अबे कहाँ लगा रहे हैं? क्या कर रहा है ये? चट्टान से उतरते उतरते तेरे को खुरापाती। ये देखो, अबे इससे बड़ी तो हमारे मोहल्ले। ये देखो गाइस कैसा रास्ता है। अभी हम नहा के क्या नहाते हुए दिखाते हैं। अबे ये क्या पानी, जाएंगे कहाँ से? यहाँ से ऊपर से। देखो गाइस कैसा रास्ता है भाई, ध्यान से, कोई साफ वाप नहीं हो। देखो गाइस अब जा रहे हैं हम झरने पे, जो मेन बड़ा झरना है। देखो गाइस ये है झरना, ये है झरना, और
ये है झरने से, झरने का आने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। वो देखो मेरा दोस्त आ रहा है। गाइस यहाँ पे आके मजा तो हमको खूब आ रहा है। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे नहाने की, अभी देखते हैं नहाते कि नहीं। मैं तो नहाऊंगा। अबे जल्दी आओ, झरने में से नहा के वापस बाहर आया हूँ। मुझे नहा के बड़ा अच्छा लगा है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आए तो यहाँ से यहाँ पे नहा के जरूर जाना, और जो नहीं नहाए उसको धक्का देके यहाँ पे नहलाना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त एक भी नहीं नहाया, कोई भी नहाया, कमीने साले, लेकिन मैं नहाया हूँ आपके लिए। देखो गाइस क्या मस्त झरना है, लोग यहाँ साबुन ले लेके नहाते। ये देखो यहाँ पे एक बाबा का मज़ार है, कहते हैं कि ये पानी में शायद तैरता हुआ मज़ार है, जब बारिश होती है तो ये पूरा पानी के ऊपर तैरते हैं। चलते हैं आगे चूम के। बाकी नागपड़ गए थे, वहाँ से ज़्यादा कठिन चढ़ाई है यहाँ की, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर है और पानी बहता है, चिकनाई खूब जमी हुई है, तो कभी भी पैर फिसल सकता है। अभी मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि कैसा है। हम चढ़ते चढ़ते ऐसी जगह है, यहाँ पे एक गेट है, पता नहीं कितने साल पुराना है, कम से कम 700-800 साल पुराना होगा ये। यहाँ पे कोई रहता है, है? रहते हैं यहाँ पे? इतने अंदर जंगलों में भी लोग रहते हैं यार, गजब है। और देखते क्या क्या है बाकी। अभी तो ये सीढ़ियाँ हैं, इसके आगे फिर वापस से वही पत्थरों वाली चढ़ाई है। ये देखो गाइस काफी पुराने पुराने मिनिएचर बने हुए हैं। अबे यहाँ रूटी रानी का महल बोलते कौन सा है? कौन सा वो नीचे ही है, ये नीचे था रूटी रानी का महल है। अच्छा, और ये क्या है? ये महल के ऊपर खड़े आप? महल के ऊपर हूँ मैं। अच्छा, तो गाइस जो अभी मैंने नीचे जो गेट दिखाया था वो इसी उसी को बोलते हैं रूटी रानी का महल। ऐसा क्यों बोलते हैं अंकल? ऐसा बोलते क्यों उसको? रानी रूट के जंगलों में चली आई थी। अच्छा ऐसा। सो गाइस अभी पीछे अंकल से बात करी तो उन्होंने बोला कि रूटी रानी का महल तो पीछे गया, मैंने आपको दिखा दिया। अभी वो आगे बोल रहे हैं कि एक नूर बावड़ी है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सीन है। मेरे को भी नहीं पता क्या है, जाके देखेंगे कि क्या है और आपको भी दिखाता हूँ। चलो क्या हुआ? तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं। अगर अगली बार आएंगे तो दूसरे रास्ते से आएंगे और वो वाला सीन दिखाएंगे जो सामने दिख रहा है। सो फॉर टुडे गाइस, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।